सर्वभारतीय फुटबल खेल चतुर्थ दिन में साइहाल सुनापेड़ा दल गोटे गोल्ले परास्त। नयगढ़ जिला ओडंगा ब्लॉक शरणकूल हाईस्कल पड़िया लड़ुकेशा आथलेटिक आसोसिएशन आनुकूल्य आयोजित 62वां सर्वभारतीय फुटबल टूर्नामेंट साइहाल सुनापेड़ा दल सहित एजि रिक्रिएशन दल भुवनेश्वर एक चित्ताकर्षक खेल में एजि रिक्रिएशन भुवनेश्वर दल ठारु गोटे गोल खाई सुनापेड़ा दल परास्त हो। खेलर प्रथमार्धे कहीं क्या गोल दे पार नाबी द्वितीयार्धर एजि रिक्रिएशन दल गोटे गोल दे अग्रणी हो। सुनापेड़ा दल खेला आकर्षण खेल और घन घन आक्रमण सत्वे भाग्यवशतः पराजय बरण करने दर्शक मानक निराश कर। द्वितीयार्धर एजि रिक्रिएशन दल चारिज खेला अस्वस्थता जो खेली नपारी स्थान में अगर खेला खेली। आज खेल को ज्योतिरंजन स्वई रेफरी भाव में खेल करुवा बेले लायन्स प्रसन्न नायक सचिकांत दासी खेल करेफरी को साय्य कर। आज अतिथि भाव शरणकूल उपखंड आरक्षी अधिकारी सुधाकर साहू मनेश्वर बक् समाजसेवी और रवींद्र कुमार साहू सभापति जिला समवाय ब्यांक उपस्थित रही खेला उत्साहित करते। आज खेल श्रेष्ठ खेला भाव एजि दल गोलकिपर अनिल कुमार जेना शरणकूल जनसंग्राम प्रेस तरफ 1100 टंका और ट्रफी प्रदान करा। प्रतिदिन खेल को सरपंच मीनाक्षी प्रसाद साहू कृष्णचंद्र महापात्र जोगेन्द्रनाथ प्रधान युव समाजसेवी उमाप्रसाद साहू सहयोग करुछंती। काली प्रथम सेमिफाइनाल खेल में जगा यूनाइटेड भुवनेश्वर और यूनाइटेड स्पोर्ट्स बरगढ़ सहित खेल हेब। नयागढ़ चंद्रप्रकाश रिपोर्ट स्टेट न्यूज उड़िया।